हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 28 अगस्त को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में, जहां पर हमें देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन वर्सेस फिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में, और इस सेगमेंट में होगी तगड़ी तबाही। इसके अलावा गाइज, और बड़े रिटर्न होने वाले नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, पेबैक के लिए भी मैच ऑफिशियली अनाउंस होंगे। गाइज, क्या कुछ होने वाला है स्मैकडाउन पर, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन से। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पेबैक पीपी में रोमन रेंज बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमें सबसे पहला सेगमेंट देखने को मिलेगा जेफ हार्डी का, क्योंकि गाइस पिछले हफ्ते जेफ हार्डी न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमें जेफ हार्डी का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। पर जैसे कि हमने देखा, एजे स्टाइल्स ने रीमैच की डिमांड की है, तो WWE नेक्स्ट स्मैकडाउन पर पेबैक के लिए एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी का रीमैच अनाउंस करेगी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। और जैसे कि गाइस, ये लास्ट मौका होने वाला WWE के पास, तो हमें एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलेगा, और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक तगड़ी ब्रॉल देखने को मिल सकती है, जहां पर एजे स्टाइल्स डोमिनेट करेंगे जेफ हार्डी को। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा फीमेल डिविजन की तरफ से, जहां पर साशा बैंक्स एंड बैली आएंगे रिंग में। तो यहाँ पर ये दोनों सुपरस्टार दावा करेंगे कि पेबैक पीपीवी में वो नाया जेक्स और साइना बैंसलर को हरा देंगी और वुमेन्स सेकंड चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगी। पर दोस्तों, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा नाया जेक्स और साइना बैंसलर का इन्वेजन, और हो सकता है गाइस यहाँ पर WWE कोई सिंगल्स मैच दिखाए जिसमें इन दोनों टीमों में से कहीं एक एक सुपरस्टार फाइट करे, और यहाँ पर नाया जेक्स और साइना बैंसलर हमें स्टैंड रोल करती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद बात करें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में, होगा जैसे आपको पता भी, करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन है सिजारो और शिंजो नाकामुरा। और नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है एक टीम का, जो कि है उसोस। गाइस, काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि उसोस, जिमी उसोस जो कि इंजर्ड थे, वो ठीक हो चुके हैं, और अब हमें उसोस का रिटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है गाइस WWE नेक्स्ट स्मैकडाउन पर रिटर्न करा दे और उसो सीधा आके अटैक करें और चैलेंज करें सिजारो और शिंसुके नाकामुरा को, और हमें पेबैक पीपीवी में स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे सिजारो शिंसुके नाकामुरा। तो यहाँ पर WWE मैच भी ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है सिजारो और शिंसुके नाकामुरा वर्सेस उसोस के बीच में। वहीं गाइज, हमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलेगी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, वो होने वाला है रेट्रीब्यूशन का अटैक, क्योंकि गाइज हमें हर हफ्ते हर शो पर रेट्रीब्यूशन का अटैक जरूर देखने को मिल रहा है किसी न किसी बड़े सुपरस्टार पर। रॉ पर तो रेट्रीब्यूशन ने रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों को धोया, और रेट्रीब्यूशन अब स्मैकडाउन पर किसे निशाना बनाते हैं, क्या यहाँ पर रेट्रीब्यूशन बिगी को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि बिगी को बहुत ज्यादा WWE पुश दे रही है, तो बिगी हमें किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं, और क्या बिगी के ऊपर ही रेट्रीब्यूशन अटैक करेंगे। नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये सेगमेंट देखना बहुत मजेदार रहेगा, अब रेट्रीब्यूशन को WWE किस तरह से बुक करती है स्मैकडाउन पर। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलेगा मेन सेगमेंट, जो कि होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे रोमन रेंस, फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ बहाना है, WWE चाहती है कि तीनों सुपरस्टार हमें एक साथ एक रिंग में देखने को मिले, और जैसा कि हमने देखा था समर स्लैम में रोमन रेंस ने फिंड को दो स्पेयर लगाए थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन पर चेयरों की बरसात कर दी थी। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन तो मॉन्स्टर अवतार में हमें बिल्कुल गुस्से में देखने को मिलेंगे, फिंड भी अपना बदला लेना चाहेंगे रोमन रेंस से। तो गाइस, हमें इस सेगमेंट में कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन आमने सामने होंगे, हमें रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में एक तगड़ी ब्रॉल देखने को मिलेगी, और यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं फिंड, क्योंकि फिंड का टौरा दोबारा वापस लाने के लिए, फिंड को दोबारा से स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए WWE ऐसा कुछ दिखा सकती है कि रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की ब्रॉल में फिंड फायदा उठा ले और फिंड डोमिनेट कर पाए दोनों सुपरस्टार्स को। पर दोस्तों, जैसा भी हो, आपको पता ही है कि लास्ट मौका है पेबैक पेपरव्यू से पहले, तो हमें यहाँ पर एक तगड़ी ब्रॉल और तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा तीनों सुपरस्टार्स के बीच में। रोमन रेंस काफी लंबे टाइम के बाद स्मैकडाउन पर रिटर्न आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा रोमन रेंस की तरफ से भी। पर गाइस, कौन सा सुपरस्टार स्टैंड रोल करता है पेबैक पेपरव्यू से पहले, ये तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ही पता चलेगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों आप भी जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है रोमन रेंस पेबैक पीपी में यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं या नहीं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।